डियर स्टूडेंट्स वी आर डूइंग चैप्टर नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट वर्कशीट नंबर वन का क्वेश्चन नंबर एट बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर नेम ये फिगर आपको दी हुई है ठीक है एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी एंड सी और उसमें से ये थ्री लाइन्स कट कर रही हैं इधर से लाइन क्यू कट कर रही है यहाँ से लाइन आर कट कर रही है मिड में से और इधर से लाइन पी कट कर रही है तो ये आपका बेसिक जो फिगर है उसका वो है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए जो आपने बत, इनके आंसर्स बताने हैं क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज द लाइंस कनकरेंट एट पॉइंट ए तो ए पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन कंकरेंट हो रही है तो बच्चे ए पॉइंट पहले तो हमें ये चेक करना है ए पॉइंट कहाँ है ये आपका पॉइंट ए है इस पर कौन कौन सी लाइन कनकरेंट हो रही है एक तो देखिए ये लाइन आर ये आपको शो हो रही है ठीक है फिर उसके बाद कौन सी लाइन जा रही है दिस वन ये लाइन ये लाइन कौन सी है लाइन एम और उसके बाद ये लाइन आपकी जा रही है ये कौन सी लाइन है लाइन एन तो लाइन एन लाइन एम एंड लाइन आर आर कनकरेंट एट पॉइंट ए ठीक ऐसी बी पार्ट है ऑल द सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स के सारे सेट्स बताइए तो बच्चे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं अगर किसी ए, एक ही स्ट्रेट लाइन में से तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स क्रॉस कर जाए स्ट्रेट पाथ में से तो उसको हम बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट लाइक दिस ये आपका कॉलिनियर पॉइंट है तीनों ही पॉइंट स्ट्रेट पाथ पर जा रहे हैं ठीक है तो ऐसे इस फिगर में कौन कौन से कॉलिनियर पॉइंट हैं तो ये हम चेक कर लेते हैं ए ई सी ठीक है बी डी सी बी एफ ए ये सारे क्या हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं ऐसी बी डी सी भी है तो बहुत सारे हैं तो ये आप लोग इसको बताएंगे ठीक है और नेक्स्ट है द लाइन्स कंकरेंट एट पॉइंट जी जी पॉइंट पर कौन कौन से पॉइंट्स जो है कंकरेंट हो रहे हैं तो बच्चे जी पॉइंट ये वाला है हमारा ठीक है तो इसमें से कौन कौन सी लाइन्स जो हैं कनकरेंट हो रही हैं वन लाइन क्यू लाइन क्यू जा रही है यहाँ से और ये लाइन भी जा रही है लाइन पी भी जा रही है और ये लाइन आर भी जा रही है ठीक तो लाइन पी क्यू एंड आर आर कंकरेंट एट पॉइंट जी और लास्ट डी पार्ट है इसका द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री लाइंस एल पी एंड एम एल पी एंड एम जो है इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन कौन से हैं कौन कौन से पॉइंट पर inter, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट uh, हो रही है तो बटे एट पॉइंट सी कौन कौन सी लाइन है लाइन एल पी एम ये है हमारा एल पी एम कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है एट सी पॉइंट पर राइट right? और ऑल द पॉइंट्स दैट लाई इन दिस प्लेन इस प्लेन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं बचे ये सारे बहुत अच्छे से क्लियर है ए बी सी डी ई एफ जी ये पॉइंट्स हैं इस लाइन इसमें फिगर में ठीक है इस प्लेन में और एक क्वेश्चन और है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन कोई भी दो पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बताओ जो आपस में क्रॉस कर रही हैं तो बच्चे पी एंड एन पी कहाँ है ये है हमारा पी यस और एन लाइन यस ये दोनों क्रॉस कर रही है लाइन पी एक एन पर क्रॉस हो रही है ठीक है और ऐसे ही लाइन एल जो है ये दिस वन और लाइन आर आर लाइन कहाँ है दिस वन ये ठीक है लाइन एल और लाइन आर ये दोनों यहाँ पर क्रॉस हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है ठीक है uh, यस yes, दोबारा से बता रही हूँ मैं लाइन पी हाँ पी लाइन पी और लाइन एन एन लाइन कहाँ है यस yes. Yes. ये लाइन P है ये लाइन N है ये दोनों F पर क्रॉस इंटरसेक्ट हो रही है ऐसे ही लाइन L और लाइन R ये दोनों D पॉइंट पर क्रॉस हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है राइट right? और क्वेश्चन नंबर नाइन है इन द फिगर गिवन बिलो नेम द इस फिगर में ये एक बार फिगर बनी हुई है इसके कुछ क्वेश्चंस बताने लाइंस कंकरेंट एट डी एंड बी लाइंस जो है डी और बी पॉइंट पर कौन कौन सी कंकरेंट हो रही हैं ठीक है थीके? तो बच्चे यहाँ एक डेफिनेट लेंथ दी हुई है वैसे तो लाइन हम एल एम एन इसको बोल सकते हैं लेकिन ए डी लाइन है ए बी लाइन है बी सी लाइन है और सी डी लाइन है ठीक है तो इसमें क्या बताना है डी और बी पर कौन कौन सी लाइंस जो है कंकरेंट हो रही हैं तो हम इन पॉइंट्स को लेके चलेंगे तो क्या है डी पॉइंट डी पहले हम डी पॉइंट के लिखते हैं तो डी पॉइंट पर कौन कौन सी लाइन है एक तो ए डी ये आपकी लाइन हो गई और दूसरा हो गई बी डी तो ये आपकी बी डी लाइन भी कंकरेंट हो रही है और तीसरी है सी डी ये भी आपकी लाइन कनकरेंट हो रही है ठीक है तो सी डी बी डी ए डी ये लाइन्स जो है डी पॉइंट पर कनकरेंट हो रही हैं और ऐसे ही आपको बी पॉइंट का बताना है बी पॉइंट ये वाला ठीक है इसमें कौन कौन सी लाइन कर कंकरेंट है बचिए एक तो हो गया आपका बी सी बी ए और दूसरा बी डी ठीक है तो ये आपके पॉइंट्स हैं ये जो आपकी लाइंस हैं जो पॉइंट डी पर कनकरेंट है और ये पॉइंट बी पर ये पॉइंट डी की है एट पॉइंट डी एंड एट पॉइंट सी ये आपकी लाइन्स हो गई ठीक है और नेक्स्ट है बी पार्टीज का पॉइंट ऑफ कॉन्कोरेन्सी ऑफ लाइन्स ए डी ए बी एंड ए सी कौन सी पॉइंट ऑफ कॉन्कोरेन्स है जहां पर लाइन ए डी ए बी एंड ए सी मीट कर रही है ठीक है तो ए डी लाइन कहाँ है ये वन ए डी ए बी लाइन कहाँ है, yes, this one. AC कहा है? AC ये वन और ए सी लाइन कहाँ है ए सी लाइन ये वाले तो इट मीन्स पॉइंट ए पर कंकरेंट हो रही है ये तीनों की तीनों ठीक है तो इसका आंसर क्या होएगा पॉइंट ए ठीक तो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर एट और नाइन कंप्लीट हो गया आप इसको अपनी नोटबुक पे करोगे और इसको अच्छे से रिवाइज़ भी करोगे और इसके साथ ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई और आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे से रिवाइज़ करो फिर उसके बाद आपको टेस्ट भी देंगे इसका थैंक यू